साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण के साथ में आपके बीच में फिर से एक बार उपस्थित हूं। और एक सबसे हाईलाइटेड प्रश्न कमेंट बॉक्स में जो सबसे ज्यादा पूछा गया है, साथी बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। कुछ साथी ये कह रहे हैं कि सर याची लाभ जैसी स्थिति अब हमको लग रहा है बन जाएगी, तो उस विषय में बातचीत करूंगा। और 68,500 में याची लाभ मिला, ये आप लोग देख ही रहे हैं, कल आपका अपडेट आपको प्राप्ति हो गया होगा, तो इन सारी चीजों पे मैं बातचीत करूंगा। उसके पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अब बहुत कम मैं वीडियो के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित रहूंगा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, वीडियो बनाना, फिर उसको प्रमोट करना, फिर अपलोड करना, बड़ा टाइम लग जाता है, चीजें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अब जो भी अपडेट होगा वो आपको ग्रुप के माध्यम से देने की कोशिश ज्यादा से ज्यादा की जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये चैनल जो है ये एजुकेशनल चैनल था, इस पे मैं आकर के इसको 69,000 शिक्षक भर्ती बना डाला, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, ये एक एजुकेशनल चैनल था, इस पे सिर्फ जो है वीडियोज अपलोड की जाती थी पहले, और अब जो है केवल 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले अपलोड किए जाने लगे। तो अब जहां तक कोशिश की जाएगी कि आपको ग्रुप के माध्यम से चीजें मैं बताऊं, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो वो हम आपको जो है वीडियो के माध्यम से जब आने लायक रहेगा तो ही वीडियो के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित रहेंगे, कोई भी टीम के मेंबर कोई भी आपके बीच में उपस्थित रहेगा वीडियो के माध्यम से, बाकी सारे अपडेट आपको ग्रुप के में ही अब दिए जाएंगे। तो मैं बात कर लूं कब मिलता है याची लाभ, तो मित्रों देखिए याची लाभ की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है या भर्ती प्रक्रिया हो गई होती है, ऐसी दशा में जो है याची लाभ मिलता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट नहीं है, ना ही भर्ती कंप्लीट हुई है। अगर आप बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या याची लाभ की संभावना बनेगी, तो मैं यही कहूंगा कि प्रेजेंट टाइम में अभी भर्ती स्टार्ट नहीं हुई है, ना ही भर्ती पूरी तरह से कंप्लीट हुई है। अगर भर्ती कंप्लीट हुई होती तो आपको याची लाभ मिलता, लेकिन अभी जो है भर्ती कंप्लीट नहीं हुई, भर्ती गतिमान भी नहीं है, भर्ती अभी रुकी हुई है, ऐसी स्थिति में अगर आप हमसे कहेंगे कि सर याची लाभ मिलेगा, तो अभी मैं सिरे से नकार दूंगा कि याची लाभ मिलेगा, ना कोर्ट देगा आपको, ना हम आपको झूठी आश्वासन देंगे कि आपको याची लाभ मिलेगा। याची लाभ तब मिलेगा जब भर्ती आपकी स्टार्ट हो जाए और भर्ती कंप्लीट हो जाए 69,000, तो ऐसी दशा में संभावना बनेगी कि याची लाभ मिलेगा, वो भी माननीय न्यायालय के ऊपर डिपेंड होता है वो क्या करेंगे इस विषय में। हालांकि 68,500 में याची लाभ मिला, क्यों? क्योंकि ये 2 साल पहले जो भर्ती हो चुकी है, तो ऐसी दशा में 82 अभ्यर्थी जो सफल हुए हैं वो याची थे, तो उनको जो है नियुक्तियां देनी पड़ेगी सरकार को, चाहे जहां से वो, तो चाहे जहां से सीटें क्रिएट करके, चाहे जहां से वो मेकअप करके वो चीजों को करेंगे, वो उनकी बेबसी, वो खुद ही जब आदेश दे दिया जाता है तो सरकार खुद बेबस होती है उस चीज पे भरने के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं। अब बाकी अगर मैं ये बात करूं कि कौन जो है, अगर याची लाभ खुदा ना खास्ता फ्यूचर में होता है तो किनको लाभ मिलेगा, तो मैंने पहले से ही कहा था कि प्रदेश की जितनी भी याचिकाएं पड़ी हैं सबको लाभ होगा, ऐसा नहीं कि कोई याचिका पड़ी उसको लाभ नहीं होगा, सिर्फ ऋषभ मिश्रा की याचिका पे लाभ होगा, ऐसा कुछ नहीं, प्रदेश की जितनी याचिकाएं पड़ी हैं सबको लाभ होगा, जो ऑर्डर ऋषभ मिश्रा की याचिका पे होगा वो लाभ समस्त याचिकाओं को मिलेगा, समस्त याचियों को मिलेगा, इसलिए कोई भी साथी परेशान नहीं होंगे जो अन्य जगहों पे याची बने हैं। हालांकि जो याची नहीं बने हैं उनके लिए मैं, अगर जो कह रहे हैं कि सर परेशान हम याची नहीं बन पाए, तो मित्र देखिए प्रेजेंट टाइम में याची लाभ जैसी स्थिति नहीं है, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि याची लाभ जैसी स्थिति अभी नहीं है, अगर भर्ती हो गई होती तो याची लाभ जैसी स्थिति होती। हालांकि अगर आप याची बनना चाहते हैं स्वेच्छा, तो आप याची बन सकते हैं, खुद से अपनी रीट डाल दीजिए, चाहे इलाहाबाद में जाकर के सिंगल बेंच में डाल लीजिए आप अपनी याचिका, फिर बाद में वो याचिका को आप टैग करा लीजिएगा, तो ये चीज होती है। और अगर कुछ साथी कह रहे सर आप खुद याचिका डालिए, तो दोस्त हमारी कई सारी खुद ही याचिकाएं पड़ी, हम उसी को देख रहे हैं, अब इससे ज्यादा नई याचिकाएं डाल करके उनको फिर से वहां उलझना हम लोगों के बस की बात नहीं है, अभी हम लोग प्रेजेंट टाइम में जिस काम में लगे सुनवाई करवा लें वो बेहतर है। बाकी आप सब जिनको नई याचिकाएं डालनी है, जो डालना चाहते हैं, जो याची बनना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, वो स्वतंत्र है, लेकिन नई याचिका डाल के फिर हम उसमें उलझे ये हम लोगों द्वारा नहीं हो पाएगा। तो यही एक विशेष अपडेट था, और आगे जो इससे भी कुछ होगा वो हम आपको बता देंगे। ऑर्डर अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है कि 69,000 की नेक्स्ट हियरिंग डेट कब लगी है, आज सैटरडे शाम तक देखते हैं, अगर आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मंडे को मान के चलिए आएगा। और कुछ साथी कह रहे थे सर सुप्रीम कोर्ट अप्लीकेशन, तो दोस्त देखिए आप अप्लीकेशन डाल दोगे, ठीक है अप्लीकेशन डाल दोगे, लेकिन अप्लीकेशन को जब जज साहब एक्सेप्ट करेंगे, जब जज साहब एक्सेप्ट करेंगे तभी आपका हियरिंग होगा, अन्यथा की स्थिति में हियरिंग नहीं होती आपकी, आप एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन डाले पड़े रहिए, जब तक जज द्वारा उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तब तक आपकी हियरिंग नहीं होगी, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। खैर आपको मैं यहां से बता दूं, आप देख सकते हैं किस हिसाब से स्थितियां हैं, आगे आप न्यूज़पेपर पढ़े होंगे क्या उन सब चीजों को मैं